हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नाउ देयर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन एंड मैनेजिंग गार्बेज। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन के बारे में आप सब जानते हैं। व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पे एक एटमोस्फियर का लेयर है, एयर से बना एटमोस्फियर का लेयर है, जहाँ पे एटमोस्फियर लेयर में अंदर की साइड पे सिर्फ O2 है। लेकिन हजारों साल पहले जो आउटर लेयर था, यहाँ भी सिर्फ O2 था। लेकिन नाउडेज जो सनलाइट के यूवी रेज आते हैं, सनलाइट के यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट रेज रिफ्लेक्ट करके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एटम बाय अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से O2 मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम अगेन कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके बन जाता है O3, एंड दैट O3 इज कॉल्ड ओजोन। यही O3 को हम ओजोन बोलते हैं। जैसे ही आउटर लेयर जो बाहर का लेयर था एटमॉस्फेयर का, अंदर के लेयर में अभी भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन बाहर के लेयर में हजारों साल पहले की बात करें तो ऑक्सीजन था, लेकिन अभी जो है वो बाहर के पूरे लेयर में, ये O2 कन्वर्ट हो गया O+ हो गए, अगेन ये एक O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके अगेन हो गया O3, अगेन यहाँ से हो गया O+O2, अगेन O3, ऐसे पूरा एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना। वो प्रोटेक्टिव शील्ड को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। वो बन गया पूरा ओजोन लेयर। ये था ओजोन। लेकिन हमारे लिए बात है डिप्लेशन ऑफ ओजोन। डिप्लेशन ऑफ ओजोन मतलब ये जो पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड है वो धीरे धीरे डिप्लेट हो रहा है। मतलब अगर इसकी थिकनेस इतनी है तो धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम होती जा रही है और उसमें एक छेद हो गया, एक होल हो गया है, उसे हम कहते हैं डिप्लेशन। कैसे हो गया? तो जो भी यहाँ पे हम एक गैस यूज कर रहे हैं, सी एफ सी गैस जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इसमें जो गैस यूज होता है, बिकॉज ऑफ दैट गैस CFC, ओजोन का लेयर धीरे धीरे डिप्लेट हो रहा है, उसमें होल होने लगे हैं और उसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होने लगी है। लेकिन ये अल्ट्रावायोलेट रेस है, जो ओजोन का प्रोटेक्टिव शील्ड था अर्थ पे, वो धीरे धीरे डिप्लेट होने लगा है और उसी की वजह से हमें काफी सारे अल्ट्रावायोलेट रेस की वजह से हमें काफी डिसीज होने लगे, जैसे स्किन के डिसीज, जैसे कैंसर, ये सारे। और ओजोन लेयर डिप्लेट होने की वजह है CFC। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाउ बैंड हो चुका है CFC, और गैस को रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में अभी यूज नहीं करना है, उसमें बैंड आ चुका है। और उसके अलावा दूसरा गैस यही यूज होता है, दैट इज HFCs और HCFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस अभी यूज होने लगा है और CFC पे बैंड आ चुका है। अगेन ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन हम समझ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ओजोन को समझना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन का लेयर था, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो ऑक्सीजन एटम अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके O3 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट O3 इज कॉल्ड ओजोन। और ऐसे ही पूरा एक लेयर बन चुका है जो प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे अर्थ पे है, जिससे हमें यूवी रेज से वो प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी यूवी रेज अर्थ पे आते नहीं है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसे हमें प्रोटेक्टिव शील्ड कहा गया है इसलिए इसे। लेकिन CFC गैस की वजह से, जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में यूज होता है, वो CFC गैस की वजह से यहाँ धीरे धीरे डिप्लेशन होने लगा है ओजोन का, उसमें होल होने लगे हैं और इसी की वजह से CFC पे बैंड आ चुका है। और इंस्टेड ऑफ CFC नाउ वी आर यूज HFC एंड HCFC गैस, दैट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे इक्वेशन है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनाते 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, दैट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन।
नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग गार्बेज। गार्बेज सब सब वाकिफ है, लेकिन मैनेजिंग गार्बेज, गार्बेज मतलब वेस्ट, कोई ना कोई वेस्ट है। हमने आगे भी लेसन में देखा है वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अभी हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे मैनेज करना है वेस्ट को। मैनेजिंग मतलब उसका रीयूज करो, रिड्यूस करो, रिसोर्सेज के रीयूज करो, रिड्यूस करो या रिसाइकल करो। काफी पेपर्स हम रिसाइकलिंग करते हैं नाउअडेज, प्लास्टिक का बैन आ चुका है, उसका यूज रिड्यूस कर रहे हैं या रीयूज कर रहे हैं, तो वो मैनेजिंग में आ जाता है। और मैनेजिंग गार्बेज में बायोडिग्रेडेबल को अलग रखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखो, सॉलिड वेस्ट अलग रखो, वेट वेस्ट अलग रखो। अभी हम घरों में भी देखते हैं सूखा कचरा, गीला कचरा अलग रखने की बात होती है। तो दैट इज मैनेजिंग गार्बेज, दैट इज द वेरी शॉर्ट टॉपिक फ्रॉम आवर चैप्टर। आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक्स में लास्ट में छोटा सा पैराग्राफ है, वो रीड करना, यहीं पर अपना लेसन खत्म होता है। लेकिन ये लेसन पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, उसके बाद आपको पूरी टेक्स्ट बुक रिफर करनी है लेसन में। तो टेक्स्ट बुक से लेसन रिफर करो, पूरा रीड करो, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। टिल देन रीड द लेसन केयरफुली एंड लर्न योर चैप्टर।